दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक और YouTube की मोनिटाइजेशन से रिलेटेड एक और प्रॉब्लम पर। अब ये प्रॉब्लम कुछ इस तरीके से होती है कि जब हमारा चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो जाते हैं, 1000 लोग हमारे चैनल पर हमारे साथ जुड़ जाते हैं, जुड़ने के बाद अब हमारी वीडियोस पर व्यूज जो है वो आना शुरू होना चाहिए। बट यहाँ पर होता है क्या, स्टार्टिंग में हमारे पास व्यूज आ रहे होते हैं लेकिन कुछ टाइम के बाद हमारे व्यूज जो है वो बहुत ज्यादा डाउन हो जाते हैं और हमारे चैनल जो है वो नीचे की तरफ जाना शुरू करता है। अब इसके पीछे दो बड़ी गलतियां होती हैं जो आप और हमसे होती है। अब ये कौन सी गलतियां हैं ये आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। शुरू करते हैं आज की वीडियो। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है टेक्निकल सैयदता। शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ी गलती हमसे जो होती है, वो जो हमारी पहली गलती होती है वो ये होती है कि जब हम अपने चैनल की कैटेगरी जो रखते हैं वो हम चेंज होती है, और जब हमारा चैनल 1000 सब्सक्राइबर 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट करता है, हम अपने चैनल को मोनिटाइज करवाते हैं और मोनिटाइज करवाने के बाद हम अपने चैनल के ऊपर जो काम करने का तरीका है उसको चेंज कर देते हैं, हम अपने कॉन्टेंट को भी चेंज करना शुरू कर देते हैं। तो अगर आप यहाँ पर अपने कॉन्टेंट को चेंज करते हैं तो जो आपकी ऑडियंस है उस ऑडियंस ने आपको सब्सक्राइब जब किया है कि जब आपने वो वीडियो अपलोड किया है जिस वीडियो में आपने जिस कैटेगरी पर बात की है। अब अगर यहाँ पर हमारे पास टेक्निकल वीडियोस अपलोड होती हैं और मैं यहाँ पर आपके पास गेमिंग वीडियोस अपलोड करना शुरू करूँ तो यहाँ पर हमारे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं वो हमारे चैनल को अनसब्सक्राइब कर देंगे या फिर हमारी वीडियोस को इग्नोर करना शुरू कर देंगे। तो बिल्कुल इसी तरीके से होता है जब हम अपने चैनल पर अपनी रीच को चेंज करते हैं, जब हम अपने कंटेंट को चेंज करते हैं तो जो हमारे सब्सक्राइबर्स होते हैं अब वो 1000 हों, 10000 हों, 20000 सब्सक्राइबर्स हों, लेकिन अगर हम अपने कंटेंट को चेंज करते हैं, हम अपने कंटेंट के तरीके को चेंज करते हैं तो यहाँ पर हमारी वीडियोज जो है वो डाउन होना शुरू हो जाती है। अब आपको अगर चेंज करना है तो चेंज करने के लिए कुछ पॉजिटिव स्टेप्स होते हैं। आप अपनी एडिटिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं, आप अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। बट यहाँ पर अगर आप नेगेटिव वे में इम्प्रूव करते हैं, मतलब अपने चैनल पर कॉन्टेंट को चेंज करते हैं, तो आपके व्यूज जो है वो डाउन होते हैं। तो ये हमारी सबसे पहली बड़ी गलती होती है। अब बात करते हैं हमारी दूसरी गलती की। तो दूसरी गलती हमारे पास कुछ इस तरीके से होती है कि जब हमारे चैनल पर व्यूज आना शुरू होते हैं तो हम यहाँ पर अपने काम को एक टाइम पर करने से छोड़ देते हैं। अब इससे ये होता है कि हमारे सब्सक्राइबर्स वेट कर रहे होते हैं हमारी वीडियो की, लेकिन हमारी वीडियो जो है उनके पास नहीं पहुँच पाती। अब जब आप अपने चैनल के कंटेंट की वीडियोस के टाइम को चेंज करते रहेंगे तो यूट्यूब के एल्गोरिथम के मुताबिक भी आपकी वीडियोस जो है वो नोटिफिकेशन या फिर आपकी वीडियो को रिकमेंड करना कम कर देगा। अब जब आपके कम लोगों के पास आपकी वीडियो के इंप्रेशन जाएंगे तो क्लिक थ्रू रेट कम हो जाएगा, और क्लिक थ्रू रेट कम होने की वजह से आपकी वीडियोज पर व्यूज और वॉच टाइम सारे कम होना शुरू हो जाएंगे, जिसके बाद आपका चैनल जो है वो डाउन होना शुरू होता है। और उसके बाद फिर हमारे पास सब्सक्राइबर्स नहीं आते, हमारे पास व्यूज नहीं आते और हमारा वॉच टाइम भी डाउन होना शुरू होता है। उम्मीद करता हूँ आपके सवालों के जवाब मिले होंगे। जितने भी सवाल मुझसे पूछे गए थे वो मैंने आपको आज की वीडियो में बता दिया है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट करें और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। खुदा हाफिज़।